हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और सुबह के 4 बजे मैं उठ चुकी हूँ, तो आ चुकी हूँ मैं किचन में। और ज़्यादा कुछ खाने का बिल्कुल मन नहीं है, जैसे सभी सुबह खाना खाते हैं, सेवई पूरी ये सब। आइस ठीक है, डेट है 1 बज, सॉरी यार, नींद 1 बज रहा है। डेट है 4। 1 बजे थोड़ी ना सर, ये मैं क्या बोल रहा हूँ यार, चार नहीं बज के 22 मिनट टाइम हो चुके हैं। आज है 1 तारीख और आज है करवा चौथ। सुबह के 4 बजे अभी हो रहा है सरगही, इसे सरगही बोलते हैं हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइए। मैं ना एकदम नींद में था, मेरी आईज नहीं खुल रही है, मुझे बहुत जोर वाला नींद आ रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी अलार्म हमने लगा लिया था। और हे फैमिली, तो 4:33 हो रहे हैं और हो गई मेरी सर्गी कंप्लीट हो गई, और मॉर्निंग में बहुत सारा काम है। एंड हाँ, आप लोगों को हैप्पी करवा चौथ। तो बज चुके हैं 8:17, फिलहाल अभी नींद खुल चुकी है। 4 बजे उठे थे, उस टाइम पूजा को करना था, क्या बोलते हैं सरगई। फिलहाल 8 बज चुका है और अभी फ्रेश होने का टाइम है। और यहाँ पे हमारी तीनों कार लगी हुई है, एक कार कहाँ गया? हेलो हेलो, ये टकलू हो गया है, भी दो मेरा। गाइस, तो बनी को देख सकते हो, इसकी तबीयत बीच में काफ़ी ख़राब हो गई थी, बट अभी ठीक है। पता नहीं, 2-3 जगह इसने, ये क्या बोलते हैं, कहीं काट लिया था कुत्ते ने इसे, मतलब इसको ही कुत्ते ने काट लिया था, या फिर इसको घाव वगैरह हो गया था, बट अभी ठीक। हे गाइस, तो बहुत दिनों के बाद हम आ चुके हैं किचन में और आज हम स्पेशली ब्लॉग कर रहे हैं। खाना बनाएंगे, खाना नहीं बनाने वाले, आज है करवा चौथ। और सुबह सुबह मम्मी देख सकते हैं क्या बना रही है, मम्मी भाजा बना रहे हैं। क्या कह रहा है, क्या हुआ बेटा, ऐसे पोटी दिखाते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं? वो कह रहा है बैग 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 वो स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा शिवांग, जाएगा स्कूल कुछ दिन के बाद, स्कूल जाएगा शिवांग। ठीक है, मॉर्निंग की खाने की तैयारी हो रही है। आटा यहाँ गूंदा जा चुका है, छाना जा चुका है और यहाँ पे बन रहा है इसमें सब्जी, आलू छोले की सब्जी जो बन चुकी है, लगभग लगभग कंप्लीट है। और यहाँ पे बैगन का भांजा बन रहा है जो मुझे बहुत पसंद है, बैगन का फ्राई बोलते हैं इसको हमारे यहाँ बिहार में, हमारे यहाँ तो मम्मी बोलती है बैगन का भांजा, इसको बैगन का तरुआ भी बोल सकते हैं, बैगन का सब्जी भी बोल सकते हैं, बैगन का भुजा भी बोल सकते हैं। आज है करवा चौथ, सुबह सुबह मैं तैयार हो चुकी हूँ, पतिदेव भी रेडी हो चुके हैं और बहुत सारा आज काम है। अभी तो पहले मुझे मेहंदी लगवाना है अपने हाथ में, और पतिदेव अभी तैयार हो चुके हैं, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कुछ काम से जा रहे हैं, कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, बाकी आ जाएंगे। और आज तो बहुत सारा वीडियो शूट करना है, गीत भी शूट करना है, मेहंदी भी लगवाना है, और कुछ कुछ जो सामान कुछ कुछ और चाहिए पूजा के लिए, तो मैं बता दूंगी, ठीक है। और अभी कपड़े भी पसारने हैं, पूजा भी करना है, सोच रही हूँ पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़े पसारूँगी, और मेहंदी लगवाना है। तो अभी ननद जी आई थी मेहंदी लगाने के लिए, मतलब पूछने के लिए, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, एक दो घंटे बाद लगाएंगे, बिकॉज़ अभी कुछ काम है, शिवांश को तैयार करना है, उसको खाना खिलाना है, कपड़े पसारने हैं, पूजा करना है, यही सब काम है। तो ये सब काम जब हो जाएगा तब आराम से बैठ के लगाऊंगी। अब मुझे तो ये सोच के मतलब डर लग रहा है ना, शिवांश फिर मुझे देखेगा मेहंदी लगाते हुए तो फिर चिल्लाएगा। एंड हाँ, ये वाला सूट कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत ही प्यारा। तो ये रहा मेरा फुल लुक इन सूट। तो मैंने 2 बाल्टी पानी ले आए हैं और अभी देवता घर साफ करेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। पूजा रूम साफ हो चुका है और मम्मी अभी गई हैं फूल लेने के लिए। हमने तो लड्डू गोपाल जी की भी पूजा हो गई, तो हो गया हमारा पूजा पाठ। और अभी जा रहे हैं कपड़ा पसारने, छत पे आ चुके हैं 1 बाल्टी कपड़ा लेके, सिर्फ सीढ़ी ही थोड़ी सी चढ़ने में हालत ख़राब हो गई मेरी।
अभी इतना सारा कपड़ा पसारना है। एक दिन भी कपड़ा ये नहीं कहता कि मैं आज मत धो, डेली का इतना हो ही जाता है। तो इतना सारा कपड़ा है, जल्दी जल्दी पसारते हैं, धूप भी है, धूप में प्यास लगेगी इसलिए जल्दी जल्दी कपड़ा पसार लेते हैं, भागते हैं यहाँ से। हे फैमिली, तो लगाना है मुझे मेहंदी और मेरा बेटा जो है वो परेशान कर रहा है, नहीं लगाने दे रहा है, बुआ के साथ मिलके खेल रहा है और मुझे मेहंदी नहीं लगाने दे रहा है। बेटा, मम्मा को लगाएगी बुआ मेहंदी हाथ में, तो आप खेलिए ना अकेले, आपको बुआ के साथ खेलना है। तो यहाँ पे मैंने इस हाथ में पीछे से अभी आगे नहीं लगाया, मैं उल्टा लगवा रही हूँ, पहले पीछे लगवा रही हूँ, पीछे लगवा लिया है मैंने। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और शिवांश अभी फ़ोन देख रहा है। अच्छी बात ये है कि शिवांश इस बार ना, हमेशा जब मेरे हाथ में मेहंदी लगती है तो कैसे करता है, रोने लगता है, हाँ हल्ला करता है, कहता है कि मम्मा को छोड़ो, मम्मा को बाह हो गया, गंदा लगा रहे हो। और इस बार क्या कह रहा है, इस हाथ में लगा रही थी ना, तो इस हाथ में कह रहा है, इस ये हाथ देखे मेरा, कह रहा है कि बुआ इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो। बहुत समझदार हो गया मेरा बेटा, है ना, है ना बिच्चू। तो फाइनली मेरा मेहंदी कंप्लीट हो चुका है, दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगाया है और इस बार तो अच्छे से लगा लिया है, क्योंकि शिवांश थोड़ा सा भी परेशान नहीं कर रहा था, मेहंदी लगाने दिया है, नहीं तो वो रोने लगता है ना, तो मुझे बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं मेहंदी लगाऊं। बस उसके रोने की वजह से मैं कभी मेहंदी नहीं लगाती थी, मन ही नहीं करता था बिल्कुल, लेकिन इस बार ना वो रोया नहीं है इसलिए मज़ा आ रहा था मेहंदी लगवाने में, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी प्यारी ननद जी ने बहुत ही प्यारा मेहंदी लगाया है, थैंक यू सो मच, आगे से लेके पीछे तक बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है मेरा मेहंदी। ओके, और ये अभी तक नहीं आए हैं, उनको कुछ काम था तो इस वजह से गए हुए हैं और अभी तक नहीं आए हैं, मुझे लग रहा है कि उनको आते आते तो शाम हो ही जाएगा, और बस वेट है शाम की। और जा, कैसे भाओगे, और मम्मा को दिया जाओ, मम्मा को दिया जाओ। अच्छा, गिर गया मेरा बेटा, ऐसे गिर गया है, आ जाओ गोदी आ जाओ, अब पम्पम पे आ जाओ, पम्पम पे आ जाओ, पम्पम पे जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी शिवांश भी आ चुका है और शिवांश को खाना भी खिलाना है, एक टाइम खिलाया था और अभी मेहंदी लगी हुई है तो कैसे खिलाऊं उसको, तो अभी या तो मेहंदी हटाऊंगी नहीं तो मम्मी आ रही है तो मम्मी खिलाएंगी उसको। और अभी तक मैंने, मुझे करना क्या है, मेहंदी जब हटाऊंगी तो मेरे जो भी साड़ी चूड़ी जो भी मतलब सजने धजने वाला सामान होगा ना जो शाम को पहनूंगी मैं, वो सारा इकट्ठा करके एक जगह रख देना है मुझे, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि रेडी होते टाइम ना दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे मैंने लिखवाया करवा चौथ, ये ऐसे यहाँ पे करवा चौथ हिंदी में और इधर इंग्लिश में है, हैप्पी करवा चौथ, करवा चौथ। और अच्छी बात यह है कि अभी तक मुझे थोड़ी सी भी भूख प्यास नहीं लगी है, थोड़ी सी भी नहीं लगी है, बस थोड़ा सा सर भारी भारी सा लग रहा है वो, और भूख ये सब तो नहीं लगा है, ना भूख लगी है ना प्यास लगी है, देखते हैं कितने बजे चांद आता है। लगता है शिवांश फिर से भाग गया नीचे, आज तो उसकी मौज हो रही पड़ी है क्योंकि मैं उसे ज़्यादा पकड़ नहीं रही हूँ ना, इसलिए वो नीचे भाग जा रहा है बार बार, नहीं तो दिन भर उसे पकड़ के रखती हूँ, नहीं तो वो इधर उधर भाग जाता है खेलने के लिए, मिट्टी में खेलने के लिए तो वो इधर उधर भाग जाता है। तो रूम भी साफ करना है, पूरा रूम बिखरा पड़ा है, इधर उधर सामान है और चद्दर पर भी मेहंदी बहुत गिर गया है, तो वो सब भी साफ करना है। और वेट कर रहे हैं, मेहंदी में कलर आ जाएगा उसके बाद हटाऊंगी। हे फैमिली, तो अभी बैठ के मेहंदी छुड़ा रही हूँ और ऐसा कलर आया है मेरे मेहंदी में, चलो अच्छा ही है,
लेकिन जो पीछे का कलर होता है ना वो बहुत डाउन होता है। पीछे का कलर उतना डार्क नहीं आया, आगे का तो सही है बट पीछे का नहीं आया। और शिवांश बहुत परेशान कर रहा है इसीलिए मैं जा रही हूँ साफ़ कर लेती हूँ। और रूम का हाल देख सकते हो, पूरे रूम में मेहंदी मेहंदी मेहंदी, पूरे बेड पे भी मेहंदी, बेडशीट भी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ बेटा इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आराध्या को भी मैंने मेहंदी लगा दिया था तो उसने पूरा हाथ में क्या हुआ दिखाओ, हाँ दिखाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आ मम्मा पास। इसको मैंने मेहंदी कितना अच्छा फ्लावर बना दिया था, इसने पूरा लेप पोत दिया। तो मैंने अपनी मेहंदी हटा दी है और मैं धोना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या था ना कि ऐसे चिपक गया था मेहंदी, उखड़ नहीं रहा था, दर्द कर रहा था। तो फिर कितना तो मैंने छुड़ा दिया था, मैंने सोचा कि नहीं धोऊंगी, पर इतना दर्द कर रहा था ना तो जाके मैंने धो लिया, वॉश कर लिया। अब पता नहीं डार्क कलर होगा कि नहीं होगा, वैसे तो धोने के बाद शायद डार्क कलर नहीं होता है। इधर तो फीका फीका सा लग रहा है पर इधर ठीक है, ये ठीक है एंड ये ठीक है। और रूम की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, श्रीमान सभी नहीं है तो जल्दी जल्दी झटपट में सारा रूम साफ़ कर लेते हैं। बेड से देखिए नीचे तक इतना गंदा हो चुका है मेहंदी की वजह से, पूरे में बिखरा हुआ है।